Good morning to all students. How are you? I hope you all are well. Students, today you have a test of which chapter? Wind Song. Ma'am has already taken your doubts in your live class also. And before the test, we are doing brief revision again. Ma'am, आपके जो doubts थे वो आपकी live class में भी ले चुके हैं और अब जो भी आपके वो और भी अगर डाउट्स रह गए हों तो वो भी टेस्ट से पहले थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे. ओके, कम हियर. मार्क दीज सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू. अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग आउटसाइड द कैबिन व्हेन रचेल्स फादर रिटर्न. जब रचेल्स के फादर वापिस आए थे तो क्या कूल ब्रीज चल रही थी? नॉट ट्रू. कैसा वेदर था? हॉट. रचेल्स ब्रदर फर्स्ट हर्ड द कैनरी सिंगिंग. क्या रचेल के ब्रदर ने सुनी थी कैनरी की सिंगिंग पहले? नॉट ट्रू. किसने सुनी थी? मैन ने. द ट्यून दैट रचेल वॉज हमिंग वॉज वन दैट शी हैड पिक्ड अप बाय लिसनिंग टू द विंड. जो ट्यून रचेल गुनगुना रही थी वो उसने विंड से ली थी. ट्रू. रचेल्स फादर वॉन्टेड टू सेंड द एनिमल्स टू सेफ्टी बिफोर रनिंग होम. क्या रचेल के फादर घर जाने से पहले एनिमल्स की को सेफ भेजना चाहते थे? ट्रू. उन्हें अपने एनिमल्स की चिंता थी ना कि उन्हें सेफ प्लेस पे ले जाएं. द टॉर्नेडो डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स बट रचेल्स फैमिली वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव. टॉर्नेडो ने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था बट रचेल की फैमिली ग्रेटफुल थी अलाइव रहने के लिए. इट्स ट्रू. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Choose the correct words from the box to complete these sentences. It's a demonstrative and interrogative pronoun. See, that and what are pronouns in the first sentence, that is a demonstrative. We know that we use it to indicate whether a person, place or thing is near or far. Demonstrative pronoun kis liye use hota hai? Ye batane ke liye ki koi cheez near hai ya far hai. And what is an interrogative pronoun? We use interrogative pronouns to ask questions. हम interrogative pronouns का use question पूछने के लिए करते हैं. See here, choose the correct words from the box to complete these sentences. You have to give an option and you have to complete these sentences. Dash house right behind the tree is our house. वो घर जो ट्री के पीछे है, मीन्स दैट हाउस इज आर हाउस. लॉस्ट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, माया आस्क. माया ने पूछा हु लॉस्ट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, किसने अम्ब्रेला लॉस्ट कर लिया कल. ओके. रिया यूज्ड टू टेल अस दी स्टोरीज एवरी नाइट. स्टोरी सुनाती है ये वाली डेमोस्ट्रेटिव, इसमें कोई क्वेश्चंस तो है ही नहीं. ओके, लाइक दिस वी विल डू अनदर. नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो सब्जेक्ट को रेफर करके करता है, लाइक ही के लिए हिमसेल्फ. चिल्ड्रन प्लूरल देमसेल्व्स. वी आरसेल्फ. फायर इट्सेल्फ. यू योरसेल्फ. वी सो आनंदी कैरिंग द बैग. आनंदी के लिए यूज हुआ है ना हरसेल्फ. Complete these sentences according to the instruction in the bracket. जो instructions दी हुई है उसके according. Demonstrative दिया तो demonstrative, interrogative दिया तो interrogative and reflexive दिया तो reflexive. बेटा reflexive show to खुद से, मतलब हर है तो हर सेल्फ, देयर है तो themself, मतलब उनके according होगा. ओके, interrogative में questions होते हैं और demonstrative में near या far. ओके, vocabulary. होम्योफोनियस. होम्योफोनियस क्या होता है? जिसकी साउंड सेम होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट स्पेलिंग्स होती है. ओके, सी हियर, आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड सेलेक्ट करना है और ये वर्ड कौन से हैं? होम्योफोनियस. लाइक द डैश वॉक्ड इनटू द विलेज एज द ट्रीज इन द फॉरेस्ट वर. कौन एंटर हुआ विलेज में? The bear walked into the village. Bear घूम रहा था ना विलेज में. As the trees in the forest were bare. क्योंकि forest क्या हो गया था? खाली. Here bear भालू, bear means खाली. Buy, buy. एक का buy का मतलब खरीदना हो गया. Here, here.
हेयर यहाँ, हेयर सुनना, ओके, लाइक दिस यू विल डू दिस सेंटेंसेस, ओके। और अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी शॉर्ट में स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और आप नोटबुक वर्क तो लर्न कर ही चुके होंगे, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जो मैम ने आपको होमवर्क में दिए थे। विंडस्ट्रॉन्ग की स्टोरी क्या थी बेटा? एक बार रचेल क्या करती है, वो एक क्विल्ट पे स्टिचिंग करती है और उसको वो सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं। वहाँ उनको एक बर्ड दिखाई देता है और उस बर्ड की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो विंड को भी सुन सकता है। तो रचेल क्या करती है, उस क्विल्ट के बदले में उस बर्ड को अपने घर ले आती है और वो बर्ड उसको और उसकी मदर को फुल टाइम एंटरटेन करता है। एक दिन क्या होता है कि वो बर्ड बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, तो रचेल और उसकी मदर को लगता है कि शायद कोई बात है जिसकी वजह से चुप है। तो वो नोटिस करते हैं कि बाहर एक तूफान आने वाला होता है, वो विंड को सुन सकता है ना बर्ड, इस वजह से इतना शांत होता है। रचेल दौड़ी दौड़ी अपने फादर को बताने चाहती है और उसके फादर क्या सोचते हैं कि पहले मैं अपने एनिमल्स को सेव कर लूँ और अपनी क्रॉप्स को बचा लूँ। तो उसे अपने फादर को बोलती है कि एनिमल्स को सेव कर लो, क्रॉप्स को बचाने का अब टाइम नहीं है। वो भागे भागे जाते हैं, फिर वो अपने एनिमल्स को और ख़ुद को तो बचा लेते हैं लेकिन उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट फिर भी वो हैप्पी होते हैं कि बर्ड की वजह से आज उनकी लाइफ सेव हो गई। ओके, आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।